कुछ दिन पहले रक्सौल में अतिक्रमण मुक्त शहर का अभियान चलाया गया था, तो जितने भी दुकानदार थे उनको सड़क से हटाया गया था और शहर को अतिक्रमण मुक्त किया गया था ताकि जो है जाम न लगे। आज जो है दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों का एग्जाम है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इतना जाम लगा हुआ है, दूर दूर तक जो है जाम का नजारा आप लोग देख रहे हैं। विकास कार्य हो रहा है, यहाँ पे पुल का निर्माण हो रहा है जो महीने से जो है इसी तरह पड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ जो है जाम की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बच्चे जो है वो परीक्षा देने नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पे एक पुलिस है जो जाम को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाम जो है इतनी बहुत बड़ी समस्या हो गई है रक्सौल की। और अभी जो है एग्जाम का समय है, अब आप खुद सोचिए अगर बच्चे जो है जाम में फंस जाएंगे और उनका परीक्षा जो है छूट जाएगा तो जिम्मेदार कौन होगा। इतना बड़ा जो जाम लगा हुआ है, अभी हमें हजारी महल हाई स्कूल के गेट तक आपको लेकर चलूंगा और आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जाम कितनी बड़ी लगी हुई है। और अभी जो है परीक्षा शुरू होने वाला है, बच्चे जो है परीक्षा केंद्र की तरफ आ रहे हैं और उसी बीच इतना बड़ा जाम लगना जो है ये दिखाता है शहर की व्यवस्था को कि शहर में जो है जाम की समस्या को निदान पाने के लिए व्यवस्था कैसी जो है वो है, आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। अब आप खुद सोचिए अगर इसी जाम में कोई बच्चा फंस जाता है या किसी बच्चे की गाड़ी फंस जाती है तो वो परीक्षा केंद्र तक कैसे जाएगा, यह काफी बड़ी सवाल है। और आपको मैं यहाँ पूरा वीडियो दिखाऊंगा हजारी महल के गेट तक कि हजारी महल हाई स्कूल के गेट तक जो है कितनी बड़ी जो है जाम की समस्या है। और देखिए एक से एक दो दो गाड़ियां जो है लगी हुई है और जगह नहीं है कि गाड़ी जो है आगे बढ़ पाए, क्योंकि वहां पे जो है विकास का कार्य चल रहा है, सड़क तोड़ के जो है महीनों से विकास का कार्य चल रहा है और विकास का कार्य ऐसा चल रहा है कि वो आगे ही नहीं बढ़ रहा है और वो सफल ही नहीं हो पा रहा है। और उसी बीच जो है ये जाम लगना जो है व्यवस्था को दिखाता है कि रक्सौल में कैसी व्यवस्था है और लोग जो है कितना मतलब कि परेशान है इस चीज को लेकर कि जाम जो है वो नहीं छूट रहा है, एक एक गाड़ी लगी हुई है। मैं आपको हजारी महल के गेट तक लेकर चलता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जाम जो है यहाँ की कितनी बड़ी समस्या है। आइए हम और लोगों से देखते हैं और कुछ लोगों से बातें भी करेंगे। ये देखिए ये हम हजारी महल के गेट तक आ गए, अब देखिए यहाँ तक हजारी महल के गेट पर भी ये जो जाम लगा हुआ है, यहाँ पे हजारी महल के गेट पर जो है वो जाम लगा हुआ है, बच्चे जो है वो एग्जाम देने के लिए आए हुए हैं, लेकिन इसी बीच जो है जाम लगना कितनी दुखद बात है और लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। आपका नाम क्या है? ब्रिज किशोर सा। अभी कब से आप यहाँ पे जाम में फंसे हुए हैं? 10 मिनट से। 10 मिनट से, ये बताइए अभी जो परीक्षा का समय है और जाम की समस्या है, जिम्मेदारी कौन होगा? प्रशासन होगा, जाहिर सी बात है। कुछ समय पहले तो प्रशासन ने है यहाँ पे हाथी डंडा अतिक्रमण हटाया था, लेकिन फिर भी जाम का जाम लगा हुआ है। वो तो लगा रहता है हमेशा, हम लोग आदि हो चुके हैं। तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि ये जो है जाम की समस्या ऐसी ही बनी रहेगी। अभी मैं हजारी महल के गेट पर हूँ और यहाँ इतनी बड़ी जाम की समस्या जो है वो कहीं ना कहीं सरकार की व्यवस्था को असफल होता जो है वो दिखा दे रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं पेरेंट्स भी है बहुत सारे, और इधर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इधर बच्चे जो है वो परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जाम जो है जाम छूटने का नाम नहीं ले रहा है, लोग मजबूर हो गए हैं यहाँ पे आके लाइन में लगने के लिए। आपका नाम क्या है? राजा महतो। कब से आप जाम में फंसे हुए हैं? 10-15 मिनट से। 10-15 मिनट से ये जो है आप कहाँ से मतलब जाम में फंसे हुए अभी आ रहे हैं? हम तो यहाँ से स्टेट बैंक से। स्टेट बैंक से जाम में फंसे हुए हैं? हाँ। तो अभी देख लीजिए लोग इतना ना मजबूर है जाम की समस्या को लेकर, लेकिन प्रशासन कह रही है कि हम जो है रक्सौल शहर को जाम मुक्त जो है वो कर दिए हैं, जाम कहीं नहीं लगता है। ये बताइए जाम कब से लगा हुआ? जाम जब से रोड कोड़ाया हुआ तब से लगा हुआ है। तब से लगा हुआ है, आज आप कब से जाम में फंसे हैं? करीब आधा घंटा हो गया। आज परीक्षा का समय और हजारी महल के गेट पर जाम लगना कितना बड़ा अव्यवस्था को दिखाता है। बहुत बड़ा अवभाग्य है रक्सौल का। तो ये है लोगों का कहना कि जाम जो है काफी बढ़िया। आपका नाम क्या है? रामाकर प्रसाद चौधरी। कब से आप जाम में फंसे हुए हैं? सर कम से कम आधा घंटा हो गया पीछे फंसे। बच्चे को परीक्षा दिलाने जा रहे हैं? नहीं नहीं, मार्केट में गए थे कुछ सामान लेने के लिए। मार्केट में गए थे। ये बताइए इतना बड़ा जाम लगा हुआ, कुछ दिन पहले जो है शहर को जाम मुक्त किया गया था, तो अब प्रशासन समझ रहे हैं कैसे करना है क्या करना है। हम लोग तो इतना परेशानी होता है, हर समय आते थे 10 मिनट का, मतलब 10 मिनट के लिए जाते हैं लेकिन 1-2 घंटा लग जाता है यहीं पर, इतना समय लॉस होता है हम लोग का पूरा। ये मतलब कि किसका जिम्मेदारी जाता है ये सब चीज़ को लेकर?
अब तो मतलब सरकार के कहेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं, सरकार है ना इसके बारे में बताएगा। हम लोग तो जो भी है अपना टैक्स पे कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम लोग वही ना काम है टैक्स पे करना है, और ये जो गाड़ी का जो रास्ता का है जो, तो सरकार ही ना समझेगा क्या करना है नहीं करना है। आप तो टैक्स जो है पे करके अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन आप सवाल नहीं कर सकते कि सड़क की जो व्यवस्था है उसको ठीक किया जाए। ठीक है सर, मैं तो टैक्स पे कर रहे हैं ठीक है, लेकिन किसे कहा जाए, मतलब हम लोग तो कितना बार कहते हैं तो कहाँ ध्यान दे जाए, कहाँ कहाँ जाए, आप बताइए हमको कहाँ कहना है, तो कहेंगे हम सरकार से कहेंगे ना, तभी ना होगा। बहुत समय से जो है सड़क को, रक्सौल सड़क को कोड़ कोड़ के गड्ढा गड्ढा बना के छोड़ दिया गया है, तो जितना जल्दी काम हो जाए उतना ना ठीक है, उसको प्रशासन समझेगा या यहाँ के जो वार्ड सदस्य हैं, उसके बाद आगे मुखिया हैं, उसका विधायक हैं, उन्होंने समझेगा कैसे करना है क्या करना है। चलिए बहुत अच्छी बात है, इनका कहना है कि ये प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि जाम को जो है कैसे शहर से मुक्त किया जाए और शहर में जो है जाम ना लगे, ये सारी व्यवस्था जो है प्रशासन को जाती है, लेकिन प्रशासन जो है कान में जो है तेल डालकर सोई हुई है। जाम की समस्या एक तरफ है ही, दूसरी तरफ जो है परीक्षा भी चल रहा है और बच्चे मजबूर हो गए हैं इसी जाम में और इसी गंदगी के बीच में परीक्षा केंद्र पर आकर परीक्षा देना, और मजबूरी उनकी इतनी हो गई है कि वो मजबूर है, कैसे भी उनको एग्जाम देना है तो एग्जाम देना है, लेकिन जाम की समस्या नहीं छूट पाएगी और ये जो गंदगी है ये भी खत्म नहीं होने वाला है। इतना कह के मैं आप लोग इजाजत लेना चाहता हूँ। मैं कैमरामैन भैया जी के साथ, मैं सुनील कविराज, और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। थैंक यू।